तारीफ़ है जी म्यूज़िक कंपनी की भी कि उन्होंने हनी 3.0 लाया। और यहाँ पे दोस्तों बैक फॉर सेकंड डोज, जी हाँ दोस्तों सेकंड डोज सॉन्ग हनी सिंह उर्वशी रौतेला। मैं तो कहूँगा इस सेकंड डोज में भी ये लोग कुछ ना कुछ और सॉन्ग्स रखेंगे ऐसा मुझे लग रहा है, भले ही अभी ये फर्स्ट सॉन्ग है ऐसा मुझे तो लग रहा है पर्सनली, पर जो टीज़र था ना वो कंटिन्यूस है ऐसा लगता है, क्योंकि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है ऐसा ही वो उन्होंने शुरुआत की है अगर आपने टीज़र देखा होगा तो। और हनी पाजी तो बोलते कि अब सेकेंड डोज देना ही पड़ेगा, टाइम आ गया, ऐसा टाइप का कुछ लिरिक्स थे। वो मैंने पूरा नहीं ये किया है, पर भाई एक बात कहूँगा कि ये मज़ा आने वाला है रे। और टीज़र आया है अभी, ये तो फर्स्ट लुक बोलो टीज़र बोलो, वक्त है अभी सॉन्ग आने को तो बहुत दिन है, इतना गैप क्यों रखा वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज 1 तारीख है आई थिंक या, और 15 दिन बाद वो सॉन्ग आ रहा है। हाँ ठीक है हाइप क्रिएट करना होगा इनको, पर फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे यार, पर भाई तबाही तो होने वाली है यार। तो और व्यूज़ की तो बोलो ही मत यार, व्यूज़ और जिस तरीके से ये डांस वगैरह है ना, ये मज़ा आने वाला है भाई, पब्लिक पागल होने वाली है। और उर्वशी लुक्स गुड नो डाउट, उसका भी क्रेडिट है नो डाउट, एंड दे लुक्स बोथ टुगेदर वेरी गुड टुगेदर। वैसे भी वो 3 करोड़ वाला आपने देखा ही होगा केक, वो बर्थडे पे उर्वशी के गोल्डन केक। एनीवेज वो अलग बात है, पर यार या एक्साइटमेंट बहुत है। और उर्वशी रौतेला को भी तो जॉब मिल गई दोस्तों, क्योंकि आप लॉजिक से सोचो तो उसको तो मतलब बॉलीवुड उसका कुछ है नहीं अभी एट प्रेजेंट, तो या दैट इज़ ऑल्सो गुड कि हनी पाजी ने जॉब दिला दी। मज़ा आएगा दोस्तों ऑन सीरियस नोट, चलो जोक्स अपार्ट पर ओवरऑल मज़ा ज़रूर आएगा। पर यार जो गलत क्या बोला मैं, उर्वशी रौतेला को सच में जॉब मिल गई ना, अच्छी बात है ना।